साल 1978 में यूएस के एक बैटलशिप को एक ऐसे समुद्री जीव ने हमला किया था जिसे देखकर सभी दंग रह गए और सोच में पड़ गए कि ये जीव अभी भी जिंदा है। 1978 में जब अमेरिकी नौसेना की बैटलशिप यूएसएस टीन अपने मिशन पर निकल पड़ा था, इस दौरान बैटलशिप के निचले हिस्से में किसी विशालकाय भयानक जीव ने जोरदार टक्कर मारी जिसके चलते रडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और बैटलशिप को होम बेस पर घुमा लिया गया। जब साइंटिस्टों ने शिप की जांच की तब उन्होंने पाया कि शिप के निचले हिस्से में 4 फुट गहरे दांतों के निशान थे और शिप की रबर कोटिंग पर नाखूनों के निशान मिले, जिसे देखकर उन्होंने ये बताया कि ये जीव तकरीबन 150 फुट का हो सकता है। जैसे कि पौराणिक कथाओं के क्रैकेन या समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कोई विशालकाय स्क्विड, इतने बड़े दांतों के निशान और इतने बड़े नाखून इस ओर इशारा करती है कि आज भी जायंट स्क्विड की एक विशाल प्रजाति समुद्र की गहराइयों में ढूंढने को बाकी है।